ऐसा दुबई में अचानक क्या हुआ जो धीरे धीरे इतनी बारिश होने लगी, जिससे दुबई की सड़कों पर बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है। बल्कि जहां दुबई में बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल तरह से बारिश कराई जाती है, तो यूएई में अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे इतनी भयंकर बारिश होने लगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूएई में अचानक इतनी बारिश होने के क्या कारण है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाउड सीडिंग क्या होती है। यहाँ पर क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है आर्टिफिशियल तरह से बारिश करवाना। क्लाउड सीडिंग करवाने के लिए यूएई में रेन इन्हेंसमेंट प्रोग्राम चलता है। इसको लेकर वैज्ञानिक हर बार यूएई के वायुमंडल की फिजिकल और केमिकल जाँच करते हैं, जिसमें खास तौर से एरोसोल और प्रदूषणकारी तत्वों की जाँच होती है। इसके बाद क्लाउड यानी बादल बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, और इसके बाद यह तय होता है कि कितनी बार क्लाउड सीडिंग करनी है और उसके लिए कितनी बार क्लाउड सीडिंग का विमान उड़ान भरेगा। आखिर में विमान बादलों की ऊंचाई में पहुंचकर केमिकल छोड़ता है ताकि बारिश हो। यूएई हर बार इसी तकनीक की मदद से आर्टिफिशियल बारिश करवाता है, लेकिन इस बार वैज्ञानिक इस प्रक्रिया में कुछ गलती बता रहे हैं और सवाल उन केमिकल पर भी उठ रहे हैं जो क्लाउड सीडिंग के लिए काम में आते हैं। इस तकनीक का मुख्य कारण पानी की कमी को पूरा करना है, और सवाल यह भी है कि यह आर्टिफिशियल बारिश है क्या। आर्टिफिशियल बारिश के लिए वैज्ञानिक आसमान में एक निश्चित ऊंचाई पर सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, साधारण नमक को बादलों में छोड़ा जाता है। आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए कम से कम 40% तक बादल जरूर होने चाहिए और जिनमें थोड़ा पानी भी मौजूद हो। और इस आर्टिफिशियल बारिश की जरूरत उन इलाकों में पड़ती है जिन इलाकों में बारिश नहीं होती, क्योंकि कुछ जगह के क्लाउड्स बारिश करने में असमर्थ होते हैं, और इन सब केसों में क्लाउड सीडिंग की मदद ली जाती है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका मकसद बारिश करवाना है। इस प्रोसेस में केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड को बादलों पर छिड़का जाता है हेलीकॉप्टर की मदद से। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रिक लैब द्वारा फरवरी 1946 में बाथर्स्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, और वहीं यूएई में इसकी शुरुआत सबसे पहले 1990 के दशक में हुई थी। दोस्तों, दुबई में हर जगह पर रेत ही रेत मौजूद है, जिस कारण यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यूएई में पानी की कमी रहती है, इसलिए यहाँ की सरकार हर बार क्लाउड सीडिंग करवाती है, लेकिन इस बार यूएई में आई आफत की वजह भी इसी आर्टिफिशियल बारिश को बताया जा रहा है। दुबई प्रशासन ने सोमवार और मंगलवार को क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़ाए थे। 2 दिनों में इन विमानों ने कुल 7 बार उड़ान भरी और आसमान में केमिकल का छिड़काव किया। लेकिन दुबई की एक गलती के कारण बहुत ही भयानक बारिश होती है। यूएई में बारिश की शुरुआत 15 अप्रैल की रात को होती है। 15 अप्रैल की रात को अचानक बादल पूरी यूएई पर कब्जा कर लेते हैं, तभी धीरे धीरे मौसम परिवर्तन होने लगता है। इसके बाद आसमान में सफेद बादलों के बाद काले बादलों का कब्जा हो जाता है, और उसके बाद अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, और कुछ ही समय में बारिश यूएई में सब कुछ रोक देती है। सिर्फ कुछ टाइम के इस वीडियो को देखकर पता चलता है कि यूएई को इस आसमानी आफत ने कैसे घेरा है। यूएई में इस बारिश की शुरुआत 15 अप्रैल की रात को होती है, जिसके बाद यहाँ 160 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की जाती है। एक साल में होने वाली बारिश यहाँ पर 24 घंटों में हो गई। इस बारिश का सबसे ज्यादा असर अबू धाबी, दुबई और अन्य शहरों में दिखाई दिया, और हमेशा चमकने वाले इस दुबई को महज कुछ घंटों की बारिश ने धो डाला। आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहा दुबई एक ही रात में पानी पानी हो गया। जहां दुबई साल भर बारिश के लिए तड़पता है, वहीं दुबई में एक रात में आसमान से इतना पानी बरसा कि दुबई पानी पानी हो गया और शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। एयरपोर्ट पर पानी का कब्जा हो गया, मेट्रो स्टेशन, मॉल, सड़कें और व्यापारी संस्थानों में बाढ़ का पानी घुस गया, स्कूल बंद कर दिए गए। तेज बारिश से राजधानी अबू धाबी के कई हिस्से दरिया में तब्दील हो गए। दुबई में 24 घंटों में इतनी बारिश हुई जितनी यहाँ साल भर में होती है।